अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको BMI कैलकुलेट करने का तरीका बताऊंगा, किस तरह हम बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं और फिर जो वैल्यू आती है उसको हम स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं और देन देखते हैं कि हम हेल्दी पर्सन हैं, ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनके साथ हम कंपेयर करके खुद को देखते हैं तो हम अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं। चले मैं आपको इस वीडियो में वो तरीका बताता हूँ, क्या फार्मूला है जिसकी मदद से हम अपना BMI कैलकुलेट करते हैं। BMI इज इक्वल टू वेट इनटू 703 डिवाइडेड बाय हाइट डिवाइडेड बाय हाइट। ओके, अगर ये वेट है, वेट जोन सा होगा, केजीज में आता है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं पाउंड में। अगर एक इंसान का वेट है 80 केजी तो वो पाउंड्स में होता है तकरीबन 176, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 703 से। और हाइट जोन सी है, ये लेनी है इंचज में, जो इंचज में हाइट है, ठीक है, वो लेनी है हमने। अगर एक इंसान की हाइट है 5'9", तो एक फुट में 12 इंच होते हैं, तो तकरीबन आती है ये 69 डिवाइडेड बाय 69। तो ये कैलकुलेटर है, तो इसके ज़रिए हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 176 मल्टीप्लाई बाय 703 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 69 डिवाइडेड बाय 69 इज इक्वल टू 25। दैट पर्सन है 25.98 BMI वेट इन पाउंड्स और हाइट इन इंचेस। ठीक है, ये उस पर्सन का आ गया है BMI। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड BMI चार्ट से, तो मैं वीडियो के एंड पे वो BMI आपको डाल के दिखाऊंगा जो उसकी स्टैंडर्ड चार्ट है। तो उसे मैंने कंपेयर करके देखा है, तो ये वेट जोन से ये कैटेगरी आ रही है BMI की, ये हेल्दी में आ रही है। तो इसी तरह आप अपना BMI कैलकुलेट करके उसको कंपेयर करेंगे, देन आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कौन सी कैटेगरी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।